जब चुनाव भी लड़ाया जा रहा था तब उस वक्त यहाँ पर यह भी माना जा रहा था, चूंकि वो भरतपुर के रहने वाले हैं, जयपुर वर्सेस भरतपुर का मुद्दा भी बहुत हावी रहा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने अब भरोसा जताया है और भजनलाल शर्मा को नियुक्त कर दिया है। वो अगले 5 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर इन्हें आप देखेंगे और उसके अलावा डिप्टी सीएम दिया कुमारी को भी यहाँ पर रखा गया है। तो बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद आखिरकार राजस्थान में भी ये सरप्राइज यहां पर दिया, जिसकी चर्चा यहां पर नहीं हो रही थी। लेकिन देखिए, चर्चा भले ही नहीं हो रही हो, लेकिन जब आप सियासी सफर यहां पर भजनलाल शर्मा का जानेंगे, संगठन में मंत्री के तौर पर, सांसद के तौर पर, विधायक के तौर पर, जब भी आप इन तीनों ही मुख्यमंत्रियों के नाम की चर्चा होगी तो फिर ये सब इसमें एड ऑन होता जाएगा, यानी जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि यही सियासी मजबूती है। और वासुदेव देवनानी, जो कि अजमेर से ही, बहुत बड़ा कद उनका माना जाता है, वासुदेव देवनानी यहां पर स्पीकर होंगे, विधानसभा अध्यक्ष उन्हें बना दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है। भवानी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। भवानी, बहुत बड़ी खबर है, जो नाम थे वो सारे सामने आ गए, इस वक्त क्या तस्वीर है जयपुर में? तो देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, दिया कुमारी जो है वो डिप्टी सीएम होंगी, इसके अलावा प्रेम चंद बैरवा जो है वो राजस्थान के डिप्टी सीएम होंगे, यानी दो डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला है वो राजस्थान में भी बरकरार रखा गया है। और यहाँ पर भजनलाल शर्मा को, ब्राह्मण समाज से जो आते हैं, जिनका संघ के साथ बहुत अच्छा रिश्ता कहा जाता है, जिन्होंने काफी मेहनत की है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि मौका उसी को मिलेगा जो श्रेष्ठ कार्यकर्ता होगा, जिसने जमीन पर मेहनत की होगी। और यही यहाँ पर जब नाम का ऐलान किया गया तो ये साफ हो गया कि आखिर जो मौका है वो उन्हें दिया जाए, जिन्होंने जमीन पर काम किया हो। न्यूज 18 के हमारे सहयोगी भवानी लगातार बने हुए, एक बार सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। भवानी, क्या तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है? देखिए, भजनलाल शर्मा को जो विधायक दल का नेता चुनने जाने के बाद में उनके समर्थक बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच गए हैं। दिया कुमारी आप देखिए कि दिया कुमारी का नाम मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा में था, दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया। प्रेमचंद बैरवा जो दूदू से आते हैं विधायक, उनको भी डिप्टी सीएम बनाया गया, यानी कि SC और राजपूत डिप्टी सीएम बनाया गया और ब्राह्मण सीएम बनाया गया। बीजेपी काफी सोच समझ कर फैसले करती है और यह कास्ट कॉम्बिनेशन बनाया गया अलग तरीके से। आप बताएं कैसे लग रहा है? नहीं, डिप्टी सीएम किसको बता रहे हो? दिया कुमारी को बनाया, दिया कुमारी डिप्टी सीएम। ये जो जातिगत आंकड़े को, राजस्थान को साधने की कोशिश की है पूरी तरीके से 2024 के लिए, और ये बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने युवा मोर्चा से कैरियर स्टार्ट किया, प्रदेश महामंत्री रहे 4 बार और अब राजस्थान की मुख्यमंत्री की गद्दी को तो पहली बार विधायक भी पहली बार चुने, विधायक पहली बार चुने गए हैं, ये मैं मान रहा हूँ। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के अभिभावक वो पिछले 40 साल से हैं, वो विभिन्न दायित्वों पे रहे हैं और पार्टी को इन्होंने, पार्टी कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। आज मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि कोई भी कार्यकर्ता अगर मेहनत से काम करता है तो उसका अब ये काफिला किसी भी वक्त आ सकता है यहाँ पर, उसे चाहे देर हो चाहे सवेर हो, उसे मुख्यमंत्री उसे अपनी मेहनत का फल मिलेगा, ये आज मोदी जी ने साबित कर दिया है। तो ये तस्वीरें, एक मोटे तौर पर आपको तस्वीर बताता हूँ, कैमरामैन मनीष को आप बता रहा है कि ये पूरा कॉरिडोर यहाँ से खाली करा लिया गया है। और यहाँ आप देखिए कि अब, क्योंकि ये यहाँ जैमर लग चुके हैं, गाड़ियाँ लग चुकी है, एक कार, एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किलोई लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जावर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजनलाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूँ कि श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजनलाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है।
और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है, दो उप मुख्यमंत्री होंगे श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद भैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजन लाल जी। बाइट करेंगे बाइट। मोनू मेरे साथ आ जाओ। तो महामंथन के बाद आखिरकार राजस्थान की जनता को वो चेहरा मिल गया जैसा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरप्राइज मिला, एक नया चेहरा, एक नया नाम जिस पर चर्चा भी नहीं हो रही थी, लेकिन अब चर्चा नहीं मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत बड़ी बातें, पांच बातें आप समझ लीजिए। भरतपुर के रहने वाले हैं भजन शर्मा, संगठन में लंबे वक्त से वो कार्यरत भी हैं, प्रदेश के महामंत्री के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। बीजेपी ने पहली बार जयपुर की सांगानेर सीट से उन्हें चुनाव में उतारा और जनता ने पूरा विश्वास जताया और उन्हें जनप्रतिनिधि के तौर पर चुना और अब बीजेपी ने चुन लिया है बतौर मुख्यमंत्री राजस्थान का। तो ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। भजनलाल शर्मा जो शायद आज या कल से ही खबरों में ये आने लगा था कि वो भी मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, इससे पहले जब उनको यहाँ पर चुनाव लड़ाया गया तो जरूर अब शीर्ष नेतृत्व की जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ से साफ होगी। भवानी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, भवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवानी, जब अशोक लाहोटी का टिकट काटा गया तो जरूर बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है दिमाग में रख लिया होगा, स्ट्रैटेजी को बना लिया होगा कि भजनलाल शर्मा चुनाव जीत जाते हैं तो फिर इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाना है, क्योंकि विरोध भी उस वक्त बहुत हुआ था। देखिए, भजनलाल शर्मा का नाम तय होना काफी चौंकाने वाला है, लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी ने एक कार्यकर्ता को, जमीनी कार्यकर्ता को जो बार बार बात की जा रही थी, उसको मुख्यमंत्री बनाया। भजनलाल शर्मा ने पहला चुनाव लड़ा विधानसभा का, पहली बार सीएम बने, लेकिन वो लंबे समय से पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं, 5 साल से प्रदेश महामंत्री की भूमिका के अंदर हैं। इसके अलावा वो लंबे समय से पहले युवा मोर्चा में एक्टिव रहे, उनका एक लंबा राजनीतिक जीवन है, समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। तो ये कार्यकर्ता को इनाम दिया गया, नेता के बजाय कार्यकर्ता को चुना गया। काफ़ी आप देखिए कि बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट थी, उनको छोड़कर भजनलाल शर्मा को चुना गया। इसमें जातिगत समीकरणों से भी ज़्यादा एक संगठन के कार्यकर्ता को महत्व दिया गया, आरएसएस से वो संबंध रखते हैं और युवा मोर्चा के अंदर लंबे वक्त तक उन्होंने काम किया। और भजनलाल शर्मा के साथ में देखिए कि दिया कुमारी, जिसका सीएम के लिए नाम चल रहा था, उनको डेप्यूटी सीएम बनाया गया। इस वक्त किरोड़ी लाल मीना यहाँ पर पहुंचे हैं। चल चल चल, तो आप देखिए कि किरोड़ी भाई साहब देखिए कि इस वक्त है, क्या कहेंगे किरोड़ीलाल जी, आप क्या कहेंगे, आप नए सीएम भजनलाल शर्मा? मैंने आपको कहा था कि सरप्राइज होगा, जो सरप्राइज हो गया। चौंकाने वाला भजनलाल शर्मा, प्रेम कार्यकर्ता को मौका दिया गया, कार्यकर्ता को मौका दिया। चमत्कार और ये बताएं, जिनका सीएम के लिए नाम चल रहा है वो तो डिप्टी सीएम बनाए नहीं, कौन? दिया कुमारी जी। मैंने आपको कहा था मोदी जी का फैसला भगवान जाने या मोदी जी जाने, जो फैसला आएगा वो सरप्राइजिंग आएगा। जो सरप्राइजिंग आ गया, देवनानी जी स्पीकर बन गए, दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री बन गई, प्रेम भैरव उप मुख्यमंत्री बन गए, राज को चलाएंगे शानदार। तो ये देखिए कि किरोड़ी लाल मीना जो कह रहे हैं कि किस तरीके से चौंकाने वाला ये फैसला है, वो खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा चौंकाते हैं और उन्होंने चौंकाने वाला फैसला लिया। किरोड़ीलाल मीणा को ही जब चुनाव हराना था तो वसुंधरा राजे की तरफ से दिया कुमारी को पहली बार चुनाव लड़ाया गया था। आज किरोड़ीलाल मीणा को वो भी जरूर याद आ रहा होगा कि दिया कुमारी को चुनाव इसीलिए लड़ाया गया था कि कोई मजबूत चेहरा हो जो किरोड़ीलाल मीणा को हरा पाए। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि डिप्टी सीएम का भी दिया कुमारी बन जाएंगी। देखिए, बिल्कुल नहीं सोचा होगा, लेकिन इसी ही कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी तो चौंकाते रहते हैं। अब महाराष्ट्र में जिस वक्त सीएम का फैसला होना था, देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री रह चुके थे, उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था,
तो जो फैसले लेता है पार्टी हाईकमान, जो फैसला लेता है बीजेपी के अंदर, और बीजेपी में ये संगठन की ताकत है, इसलिए जिसको जो फैसला ले लिया जाता वो मान लिया जाता। और यहाँ पर भजन लाल शर्मा विशुद्ध रूप से एक कार्यकर्ता है, वो उनकी जो पहचान है पार्टी के अंदर नेता से ज़्यादा कार्यकर्ता की है। लगातार उन्होंने पार्टी में लंबे वक्त तक कार्यकर्ता की भूमिका निभाई, इसीलिए एक तरह से उनको ये इनाम दिया गया। दिया कुमारी हालांकि बड़ी सेलिब्रिटी फेस रही हुई है, उनको मुख्यमंत्री की दावेदार माना जाता, लेकिन उनको भी क्योंकि युवा नेता है, वो एक बार सांसद रही है, दूसरी बार विधायक है, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ये उनके लिए भी बड़ी बात है। दूसरे जो प्रेमचंद बेरवा SC से आने वाले, जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई, ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो एक SC समुदाय से उप मुख्यमंत्री, एक राजपूत समुदाय से उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और क्योंकि भजनलाल शर्मा नए नेता है, इसलिए जो डिप्टी CM चुने गए वो भी नए चेहरों को ही चुना गया, यानी कि दिया कुमारी जो यंग विधायक मानी जाती है या प्रेमचंद बेरवा हुआ, तो जिससे कि एक कॉम्बिनेशन अच्छा हो, तो बड़े नेताओं को बड़ों को एक तरफ करके एक नई टीम दूसरी पीढ़ी की, ये एक तरह से अपन जाएंगे तो वहाँ पहुँचेंगे सबसे पहले, उससे पहले कि परिवार के सदस्य हैं, माता जी इनकी यहाँ पर आ चुकी हैं और ये सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कुणाल के साथ में इनके बड़े भाई भी हैं और सभी लोग एक तरह से लगे हुए हैं। बधाई हो आपको, बहुत 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 बधाई हो, जनता को बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप पत्नी हैं मुख्यमंत्री की, अब किस क्या तैयारी करके भेजा था और किस तरह से आपने शुरुआत से तैयारी करवाई थी उनको? आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है। तो अभी मंदिर जाके आ रही हैं जी, तो धन्यवाद देकर के आ गए हैं। क्या जाप चल रहा था खास? ऐसा कोई खास जाप नहीं था। परिवार को बहुत लंबे समय से पार्टी के लिए एक तरह से समर्पित थे, कुछ समय दे पाए थे वो? नहीं दे पाए, पार्टी को ही दिया पूरा समय शुरू से ही। पार्टी को दिया पूरा समय। पार्टी ने सांगानेर से कैंडिडेट बनाया और अब CM बनाया। हाँ जी, क्या उम्मीदें रहेंगी? आप एक महिला है, महिलाओं के लिए, राजस्थान के लिए, क्योंकि अब तो आप घर में ही डिमांड कर सकती हैं। सब अच्छा ही होगा महिलाओं के लिए, सब अच्छा होगा। आप सुबह जब रवानगी ले रहे थे घर से, तो क्या कामना थी या क्या उम्मीदें थी, कुछ अंदाजा था इतना बड़ा कुछ होने वाला है? प्रभु पर विश्वास था, माता रानी पर विश्वास था कि अच्छा ही होगा। लेकिन पहले कहीं ना कहीं से इशारा मिला था कुछ ऐसा अंदाजा? नहीं, कहीं इशारा नहीं मिला। दूर तक कोई इशारा या कोई अंदाजा नहीं था ऐसा? नहीं था, नहीं था। अब जब चारों तरफ माहौल और खुशियां देखने को मिल रही हैं, जयकारे देखने को मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तैयारी रहेगी अगली? जनता की सेवा के लिए तैयार। बात हुई आपकी भजन लाल जी से, बधाई दिया आपने पर्सनली? कुछ खास परिवार के साथ कहीं जाएंगे कुलदेवी वगैरह? जनता की सेवा। ये पत्नी है मुख्यमंत्री की, आपका नाम बताइएगा पूरा? गीता शर्मा। गीता जी, आप जयपुर से ही ताल्लुक रहा है, कहाँ से रहने वाले हैं? जयपुर से 10 साल से जयपुर से रह रहे हैं, वैसे ससुराल अटारी है जी। तो अब पूरे राजस्थान से बधाइयों के, शुभकामनाओं के संदेश आ रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा होगा अभी तो करें क्या और किस तरह से रिएक्ट करें। राजस्थान मेरा पूरा परिवार है। तो अगला रेजिडेंस आपका CM हाउस होगा? खास बात कहना चाहिए, खास संदेश देना चाहिए सभी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र के लिए कुछ संदेश PM मोदी के लिए कि भाई आपको एक ऐसे ग्रास रूट लेवल कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली? मोदी जी के लिए आभार, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, तो ये आपका, आप देख सकते हैं कि परिवार है मुख्यमंत्री का, पत्नी है जिनसे हम बात कर रहे थे, और परिवार के बाकी सदस्य यहाँ मौजूद हैं, और चारों तरफ ये पूरा अपार्टमेंट है, इसको सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है और सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, और मिठाइयाँ खिलाने का, खुशियों की बधाइयाँ देने का और गले लगाने का दौर जारी है। इस अपार्टमेंट के लोग आज खुद को बड़ा खुश नसीब समझ रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें बहुत खास है, और ये तस्वीरें बहुत खास है। देखिए एक आम कार्यकर्ता को किस तरीके से बीजेपी ने राजस्थान की कमान सौंप दी, और फिलहाल आप तस्वीरें जो देख रहे हैं यहाँ पर स्टेज पर, आपको मंच पर यहाँ पर भजन लाल शर्मा दिखाई देंगे, दिया कुमारी दिखाई देंगी, उन्हें डिप्टी CM बनाया गया है, इसके अलावा प्रेमचंद बेरवा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इन सभी को अब राजस्थान की कमान सौंपी गई है, और आम कार्यकर्ता को जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था उसे बीजेपी ने किस तरीके से मौका यहाँ दिया है, ये उनके परिवारों की खुशियों में भी झलक रहा है। और सर्वसम्मति से भंवरलाल शर्मा को जब विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, CP जोशी कुछ कह रहे हैं, सुनवा दे।